तो गाइज आज ना मैंने आपको एंड्रॉयड का एक बहुत अच्छा फीचर बताया जो कि आपको शाओमी रियलमी वगैरह में देखने को मिल जाएगा, लेकिन हाँ सैमसंग में ये फीचर मुझे नहीं मिला, लेकिन ये बहुत यूजफुल फीचर है भाई, ऑथराइजेशन एंड रिवोक। तो यहाँ पर क्या है ये फीचर, कैसे काम करता है, सब कुछ जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहना। वीडियो को एंड तक देखने के बाद आप खुद ही समझ जाओगे कितना इंपॉर्टेंट है। तो गाइज हम लोग चाहते हैं आप सिक्योर रहो, आप कुछ ना कुछ सीखते रहो, आप जो है हंसते रहो, यही सब कोशिश के साथ हम आपके लिए जो है वीडियोस रोज लाने की कोशिश करते हैं। तो बस हमको भी आपकी ओर से एक यही कोशिश चाहिए कि आप लाइक जरूर करने की कोशिश किया करो वीडियो को, जल्दी से लाइक की कोशिश करो, और कमेंट्स बहुत कम आते हैं, कमेंट्स किया करो, हमको बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ के। सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ऐसी ही वीडियोज आती रहेंगी। और हाँ सिक्योरिटी वाली और जिनसे आपको बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिलता है, वीडियो शेयर होनी चाहिए, तो आज की वीडियो भी कुछ ऐसी है, तो शेयर जरूर करना। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज यहां पर हम सबसे पहले सेटिंग्स में चलेंगे। स्मार्ट वीडियो एडिटर विंडो गो बियॉन्ड सेटिंग्स अब यहां ऐप पर आने के स्टार्ट बाद हमको चलना है गाइज सेटिंग्स प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में, पासवर्ड वाला जो सिक्योरिटी वाला ऑप्शन है। स्पेशल फी डिजिटल वेल एडिशनल एप्स बैटरी प्राइवेसी प्रोटेक्शन सेफ्टी एंड पासवर्ड्स एंड सिक्योरिटी तो इस वाले में हमको चलना है। ठीक है पासवर्ड्स एंड Always on display. Privacy protection. Stop. Need authorization and revocation. तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा ऑथराइजेशन एंड रेविटाइकेशन, इस पे चलेंगे केशन पे, Authorization and revocation. रेविकेशन। तो गाइज यहाँ पर हम सबसे पहले इस फीचर को समझते हैं। गाइज इसका नाम है ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन क्या होता है, किसी चीज को ऑथराइज करना, मतलब इस फोन में, आपके फोन में जितनी भी एप्लीकेशंस हैं, यहाँ पर आप जब भी नया फोन लेके आते हो, आप अग्री अग्री करते हो ना, उनकी टर्म्स एंड सर्विस को आप एक्सेप्ट करते हो, तभी वो फोन एप्लीकेशन आपके फोन में एक्टिवेट होता है, तभी आप उसका यूज कर पाते हो। तो ये होता है कि उसको ऑथराइजेशन मिल गया है कि आप भी उस ऐप के एक ग्राहक हो, यूजर हो। तो यहाँ पर आप ये ऑथराइजेशन किसी भी ऐप से रेविकेशन कर सकते हो, मतलब छीन सकते हो एक तरह से, जो एप्लीकेशन आपके फोन में सिस्टम है, जो जो आपके अकाउंट का, जो जो टर्म्स एंड सर्विस का ऑथराइजेशन मांगती है। तो ये आप देख सकते हो कितनी बड़ी बात है, मतलब आपने गलती से किसी ऐप को दे दी है जो आप यूज भी नहीं करते आज कभी भी, लेकिन फिर भी वो टर्म्स एंड सर्विस आपने उसके एक्सेप्ट कर रखे कि हाँ हम इसको यूज कर रहे हैं। कहाँ यूज कर रहे हो आप, तो आप उसकी जो ऑथराइजेशन है वो छीन सकते हो, और बिल्कुल वो एप्लीकेशन आपके फोन से डीएक्टिवेट हो जाएगा, मतलब फोन में रहेगा लेकिन किसी भी प्रकार का डेटा आपका अगर उससे होगा, सर्वर से डिलीट हो जाएगा, और यहां पर आगे कोई डेटा आपका लिया नहीं जाएगा, चाहे बैटरी चाहे डेटा कुछ भी, इसमें खुद लिखा हुआ है, हम आगे पढ़ेंगे। तो यही ये फीचर है, कितना बढ़िया फीचर आप देख सकते हो, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है इसका महत्व क्या है। तो आगे चलेंगे। Authorization and revocation. Granted authorization. Your authorization will be revoked after you toggle switches of individual apps. ये देखिए यहां पर आगे सबसे पहले ग्रांटेड ऑथराइजेशंस दिखाई देंगी, जिन जिन को आपने ऑथराइज एप्लीकेशंस दे रखा है, यहां पर सभी दिखाई देंगी, और यहां पर लिखा है ऑथराइजेशन रिवोक हो जाएगी, मतलब हट जाएगी जब आप इन एप्लीकेशंस को यहां से ऑफ कर दोगे। देखते हैं कौन कौन सी, ये सारी वो एप्लीकेशंस यहां पर आपको दिखाएंगी जो जो सिस्टम में है और जो जो आपके अकाउंट का ऑथराइजेशन लेकर बैठी है। ठीक है, कैलेंडर टिक टिक बॉक्स कैलेंडर, कैलेंडर में आपको पता है आपकी जो बहुत सारी चीजें उसको करता है लोकेट, लेकिन कैलेंडर एक यूजफुल ऐप हो सकता है, तो इसको आप बंद ना करें। अपडेटर टिक टिक बॉक्स अपडेटर है, अपडेटर भी एक इंपॉर्टेंट ऐप है ना, लेकिन ये सारी वो ऐप्स हैं जो भारी डिटेल लेकर बैठी हुई है। सिक्योरिटी टिक टिक बॉक्स सिक्योरिटी है, मसा टिक टिक माइली डीमन टिक फीडबैक टिक टिक ये बॉक्स सारे माइली के ऐप्स हैं, डाउनलोड्स टिक टिक बॉक्स डाउनलोड्स है, सिस्टम एप्स अपडेट Xiaomi SIM activation service tick. Battery and performance तो tick. ये बैटरी एंड फोन, ये सारी बैटरी वगैरह जो आपको पता है पूरी डिटेल लेके रखती है आपके फोन की, तो ये वही सारी ऐप सारी जो पूरी डिटेल लेके रखती है। ठीक है, तो आपको इनमें से जो लगती है कि यूजफुल नहीं है, आप यूज नहीं करते, आप बंद कर सकते हो। Settings tick. Get apps tick. Tick box. To ensure it. Get apps tick. Tick box. अब भैया ये एक ऐसी ऐप है जो मेरे को बिल्कुल नफरत है इस ऐप से, गेट ऐप भर दी भैया फोन में, बड़ी दिक्कत है, बड़ी नोटिफिकेशन आती है इसकी जीप जीप सी, और कुछ भी ऐप इंस्टॉल हो जाता है। गेट एप्स ये एक MI की ऐप है बाय डिफॉल्ट, ये डिलीट तो नहीं हो सकती, लेकिन हम इसकी जो अधिकार है इससे ऑथराइजेशन तो छीन सकते हैं। आगे कुछ लिखा है वो पढ़ते हैं। To ensure your account security, sign into IB.com if you want to revoke authorization for Xiaomi cloud services, including sync and backups. तो यहां पर यही बता रहा है कि अकाउंट वगैरह के यहाँ पर ऑथराइजेशन छीन सकते हो आप। Stop record. तो Get apps. Tick हम box. इसको मान लीजिए हमको बंद करना है गेट ऐप्स को। सबसे पहले मैं नॉर्मल गेट ऐप्स आपको ऑन करके दिखाता हूँ, चल रहा है क्या। मैंने भैया कितने महीनों से ऑन नहीं किया इसको, Adobe, अब करूंगा आपके Amazon सामने। Alexa, Audio Lab, ये ऐप मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है सच में। Intelligent TV, Mi Remote, FM Radio,
गेट एप्स में चलते हैं अपन। App log. हाँ भैया इस पे भी लॉग चलाता हूँ नहीं कभी। Get apps. Voice search. ये देखिए चल रहा है बढ़िया। Manage downloads. यहाँ से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत बकाया आ रहा है भैया। Overview. अब हम इस पे चलते हैं। Get apps. Settings में. Authorization and revocation. Get apps को बंद करेंगे। To ensure your account. Get apps. Revoking authorization. Revoking authorization. After you revoke authorization, the app will stop collecting data and all the related data will be deleted from the servers. This might make the app virtually unusable. Revoke authorization anyway. ये बोल रहा है जैसे आप इसको रिवोक कर दोगे कलेक्टेड डेटा जो अभी तक डेटा आपसे कलेक्ट किया जा चुका है डिलीट हो जाएगा सर्वर से। इससे संबंधित डेटा कलेक्ट भी नहीं किया जाएगा। ये एप्लीकेशन आपका वर्चुअली अनयूजेबल हो जाएगा, आप इसका यूज नहीं कर पाओगे। ओके करते हैं। बड़ा काम करने जा रहा हूं मैं। रिवोकिंग ऑथराइजेशन। रिवोकिंग हो रहा है। होगा भैया हो गया, बस टाइम लगा। हो गया। 4 मिनट्स स्टॉप टू एंजॉय योर अकाउंट्स गेट एप्स नॉट टेक टेक ऑफ। अब हम गेट एप्स को ऑन करके देखते हैं। Settings of Get Apps. Terms and conditions. ये देखिए अब ये एप्लीकेशन वैसा आ गया जैसे आपने फोन नया लिया था। टर्म्स एंड कंडीशन इसकी हो गई है बिल्कुल डिसएग्री। यहाँ पर आप इस ऐप को यूज नहीं कर रहे हो। Terms and conditions. और आपको पता है जब तक आप टर्म्स एंड सर्विस को एक्सेप्ट नहीं करते ना तब तक आपका डेटा नहीं लिया जा सकता, ये इल्लीगल हो जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर किसी एप्लीकेशन की टर्म्स एंड सर्विस डिनाई हो गई तो वो एप्लीकेशन आपका डाटा कलेक्ट नहीं कर सकता। अगर करेगा तो वो एक यूजफुल ऐप नहीं है, वो सरकारी फिर नजरों में रहेगा और वो हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो अगर कोई ऐसा ऐप है जो टर्म्स एंड सर्विस डिनाई करने के बाद भी चल रहा है तो आप उसको उड़ा दो भैया, क्योंकि हर एक ऐप की एक टर्म्स एंड कंडीशन पॉलिसी होती है जो कि हमको बहुत मतलब ऐसी लगती है भी बेकार है, इसको यूज़ नहीं करते हम। लेकिन आपको पता है कितनी काम की चीज़ है, इसके बिना ऐप काम ही नहीं करती। अगर करेगी तो फिर वो इलीगल है। देखते टर्म्स एंड कंडीशन आ गई इसकी। होम स्क्रीन सैटर्ड का हो गया, बैक ही हो गया क्या, डबल नंबर से टर्म्स एंड कंडीशंस। To be able to use the basic features of this service, you must agree that Xiaomi can collect, process, and use your personal data, including the personal data related to individual Get Apps services. For example, Xiaomi will collect network information to optimize updates, collect your comments and favorites to keep records of their content. Exit. तो बस भैया ज्ञान दे रहा है, ये बोल रहा है इस ऐप को यूज करने के लिए टर्म एंड सर्विस एक्सेप्ट कर लो तभी आप इसका यूज कर पाओगे। और ये बता भी रहा है कि आपका पर्सनल डेटा कलेक्ट करता है। भैया रुक जा, जैसे आप अग्री करते हो खुल गया, बस ये एप्लीकेशन खुल चुका है और वहां से जो ऑथराइजेशन हमने रिवोक की थी वो भी उसको ग्रांट हो गई होगी, वापस मिल गई होगी क्योंकि हमने अग्री कर दिया। देखिए इसको दोबारा खोलते हैं। ऑथराइजेशन ऑथराइजेशन देखिए फिर से टिक हो गया है ना। तो इस प्रकार आप यहाँ पर फिर से इसको ऑथराइजेशन दे सकते हो या इस सेटिंग में आके भी दोबारा से दे सकते हो। लेकिन आप अगर ऐप यूज नहीं करते तो भैया रिवोक करके रखना, आप बहुत हद तक सिक्योर रहोगे, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। तो उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, इंटरेस्टिंग भी लगी होगी वीडियो। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके बताइए, अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सभी के साथ शेयर कर देना। चैनल पे अगर आप नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लो, ऐसी ही वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी। व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग अबाउट पेज से जुड़ सकते हो, फीमेल्स के लिए भी ग्रुप्स बनाए गए हैं तो वो भी जुड़ सकते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।